अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल अलखिदमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह शराफत मुगल। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं जिला उकाड़ा से तहसील रिपोर्टर अलखिदमत न्यूज़ चौधरी इम्तियाज़ अजीज़ कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक अमरूज तैयब साद शहीद पुलिस लाइन जिला उकाड़ा में रिटायर्ड पुलिस अफसरान की मीटिंग। नाज़रीन आपको बताएंगे जिसमें सरदार असगर अली मुजाहिद अफसैती रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट चेयरमैन अलखिदमत पंजाब वेलफेयर एसोसिएशन बराए रिटायर्ड पुलिस अफसरान सूबा पंजाब रजिस्टर्ड और सदर पंजाब अलखिदमत यूनियन मेयर मोहम्मद नवाज अंजम रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और मोहम्मद इश्तियाक चौहान साहब रिटायर्ड पुलिस अफसर जनरल सेक्रेटरी पंजाब मीडिया ग्रुप अलखिदमत यूनियन और दीगर मौजूद रिटायर्ड पुलिस अफसरान जिला उकाड़ा की खसूसी शिरकत। नाजरीन आगे बढ़ते हुए आपको मजीद बताएं कि जिसकी सदारत जनाब मलक दाऊद अहमद SP साहब इन्वेस्टिगेशन जिला उकाड़ा ने की, जिन जिन रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने अपने अपने मुतालबात पेश किए हैं इनकी दरख्वास्तें जमा कर ली गई हैं, आइंदा वेलफेयर फंड से इनकी मुनासिब इमदाद की जाएगी। और नाजरीन आगे बढ़ते हुए आपको मजीद बताएं कि जिन जिन रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने मुकदमात के मुतालिक अपनी मुतासरा स्टोरी सुनाई है वो जनाब SP साहब ने हुक्म दिया है कि मसलीन थाना से तलब करके मेरे पेश की जाएं। और नाजरीन खबर के दिनों में आगे बढ़ते हुए आपको मजीद बताएं कि कुछ रिटायर्ड मुलाजमीन ने जहेज फंड के मुतालिक दरख्वास्तें दी हैं। वो आइंदा IG पंजाब के हुक्म के मुताबिक रिटायर्ड पुलिस अफसरान की फी बेटी को जहेज फंड के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। कुछ रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबलान ने बतौर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करने की ख्वाहिश की है, जिनकी दरख्वास्तें लेकर आइंदा इनको मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज में मुलाजमत दिलाई जाएगी। वेल्डन जनाब मलक दाऊद SP साहब इन्वेस्टिगेशन जिला उकाड़ा। और नाजरीन इसी खबर के साथ मुझे यानी शराफत मुगल को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहें अपना चैनल अलखिदमत न्यूज़।